ये बाद में। ओके अभी पापा की मीटिंग चल रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कल इंडिपेंडेंस डे था तो मैं व्लॉग तो शूट नहीं कर पाया। तो राखी पास आ रही है इसलिए मम्मी ने राखी लाई थी मम्मी के भाइयों के लिए, मतलब मेरे मामा जी के लिए। तो वो कुरियर सेंड करने वाले, तो एक एनवेलप लाने को बोला है पापा ने मेरे को। एनवेलप दो ना। हाँ ये स्विच मिल चुका है हमको। अपनी दुकान बंद कैसे? अच्छा शायद खाना खाने गए होंगे बड़ा पापा। इस टाइम इंडिपेंडेंस डे का तो व्लॉग नहीं कर पाया पर रक्षाबंधन वाला व्लॉग जरूर करूँगा। ये वो राखीस जो मम्मी ने लाई है। क्यों लाया ये? भाई लाऊंगा ही ना तो। क्यों? मतलब लाऊंगा मैं इसको नहीं खाने चल। ए किसने बोला भाई, किसने बोला? चॉकलेट मेरे को ज्यादा नहीं पसंद, ये लोग बहुत फोर्स करते इसलिए खा ले। तो कभी मत खा, मत खा, नहीं मत खा, मत फोर्स कर रहे हैं। चलो खुद खुद का ले लो। यार ये तुम लोग को निकालने को नहीं आता है? ओ फाइनली निकल गया। चलो पैसे भी ले लिए। अभी 12:30 बज रहे और अभी तक मैं नहाया नहीं। ना नहाया, हमको कुरियर देने जाना है कुरियर वाले के पास। ये वाला तो बंद है। हाँ वो रहा, खुला है खुला है। ₹100 लेके आया पप्पा ने, बोला 100 रुपए से कम लेगा। इसने तो ठग दिया, 120 रुपए मांग रहा है। सम पूरा का पूरा बारिश जैसा हो चुका है। बाय बाय। ये लो। चलो भाई फास्ट फास्ट। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं, खाना भी खा लिया था मैंने और अभी एक राखी बज गई थी जो कुरियर में डालना भूल गए हम। तो अभी जल्दी देखते उसने नहीं दी होगी तो देखे, वरना वरना एल लग जाएगी हमारे। वो कुरियर कर दिया? हाँ। अरे यार 1 बज गया था। उन्होंने बोला है भेज तो देंगे पर सादा वाला राखी, ये वो लाइट वाला राखी ना वो नहीं चलेगा। उसने बोला कि लाइट वाली नहीं चलेगी। लाइट? हाँ ये लाइट वाली, लाइट वाली नहीं शादी चलेगी। बोल रहे हैं लाइट वाली कुछ भी। मैं पूरा जाग सीढ़ी के ऊपर चढ़ गया था, फिर वो बोला इधर आ इधर आ, लाइट वाली नहीं चलेगी। लॉल लॉल शॉट देखो अभी से विक्ट्री। चलो उठो यार अभी बोर हो गए। अरे पाउडर गिर रहा है, थोड़ा गिरा। अरे वो जान उसके गिराना ही पड़ेगा वरना वो मैं रख के आता। ये होता है नतीजा जब हम ज्यादा पाउडर डालते कैरम में, होता भी मेरे को ही मारना पड़ेगा। अभी नाश्ते का टाइम हो रहा है, अभी हमको बहुत लग रही है भूख, तो अभी हमारे लिए मम्मी बना रही है पिज्जा।
अभी का सीन कुछ ऐसा है, पापा का तो उपास है इसलिए पापा खाना नहीं खा रहे, मम्मी पापा तो दोनों फ्रूट्स ही खाने वाले, खाना उनको नहीं खाना है, खाना तो मेरे को जय को और वीर को हम तीनों को ही खाना खाना है। मैं तो कोई हूँ नहीं मास्टर शेफ वगैरह, मेरे को तो सिर्फ आती है एक चीज और मैं अभी बना रहा हूँ तो वही खाएगी। मैंने बनाई है, तू क्या हंस रहा है, मैंने बनाई चलेगा। आज के ब्लॉग के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।